आप देख रहे हैं अपना समाचार। सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मी को नमस्कार। मैं अफरोज खान, संगीतकार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अपनी टीम के साथ लता मंगेशकर जी के स्टूडियो में, और आज कौशल फिल्म प्रोडक्शन हाउस का मैं दूसरा एल्बम की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जिसका नाम है दर्दे जिकर। और हमारे साथ अक्षय उपाध्याय, जिन्होंने आज अपने इस एल्बम में अपनी आवाज़ दी है, अनुराग मौर्य जी, ये दोनों सिंगर को आप लोग बखूबी जानते हैं, और इसके जो लिरिक्स और प्रोड्यूसर हैं हमारे कौशल जी, जो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा गाना लिखा है। और आज खुशी की बात यह है कि आज हमारे इसमें दो मुहूर्त हो रहे हैं। एक जो आज हमारे देश के अंदर लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, आप लोग मीडिया कर्मी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बलात्कार हो रहा है हमारे माँ बहनों का देश के अंदर, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोग ला रहे हैं, क्योंकि समाज को एक अच्छा मैसेज जाए, जिसका टाइटल है कैसी है होंठों की लाली, कैसी ये होंठों की लाली। जिस तरह से आपने कहा, कोई एक कहानी, कोई सच्ची घटना पर आपने बनाई है, क्या मकसद था कि यही टॉपिक आपने चुना? देखिए, ये कैसी ये होंठों की लाली, जो सीरियल की बात आप कर रहे हैं, कैसी ये होंठों की लाली बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है। और ये नहीं कि दिल्ली में हो रहा है तो बॉम्बे में नहीं हो रहा है, बॉम्बे में नहीं हो रहा है तो सब जगह पे ये चल रहा है मामला। आज जिस तरह से हमारे देश के अंदर, खासकर जैसे भारत देश में लोग कहते हैं कि ये भारत माता का देश है, तो अब मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत देश जो है आने वाले समय में राक्षसों का देश हो जाएगा। ये जिस तरह से अभी देखिए लखनऊ में किस तरह से मारा हमारे पुलिस भाई ने, क्या किया था विवेक जी ने, इसी तरह से सरेआम देश में कत्लेआम हो रहा है, खून बह रहा है। आज बच्चियां सुरक्षित नहीं है, घर से जा रही थी, इस बात की गारंटी नहीं। आपके क्या मीडिया वाले के घर में माँ बहन नहीं है क्या? सबके घर में माँ बहन है। आप लोग भी टेंशन होता होगा कि क्या होने वाला है, हमारी बहनों के साथ क्या होने वाला है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि कैसी ये होंठों की लाली के माध्यम से देश में एक मैसेज जाए। बहुत जल्दी इसका भी पायलट शूट हो रहा है और इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ऑन एयर होगा, और हम लोग इससे मैसेज ज़रूर देंगे। ठीक है, हमारा एंटरटेनमेंट का काम है, हम गाना भी बना रहे हैं, हमारे अभी दर्द जिगर का रिकॉर्डिंग चल रहा है लता जी के स्टूडियो में, अक्षय ने बहुत अच्छा गाना गाया है। और एक जो आज युवाओं को जिस तरह से लोगों को यू नो एक इंस्पेक्शन देता है, और आज से पहले कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि गाना आया था, इरफान साहब का गाना था, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, उससे कहीं भी कम नहीं है। और कौशल जी ने बहुत अच्छा लिखा है और अक्षय ने बहुत अच्छा गाया है, और बाकी जो अनुराग ने जो गाना गाया है वो एक नया वर्ड्स लाया गया है कि हमसे शेयर करो, वो हमसे शेयर करो, वो बहुत ही, मैं पहली बार आई थिंक फर्स्ट टाइम एक ऐसा गाना मैंने बनाया है कौशल जी के, मतलब कुछ भी है, अगर प्रॉब्लम है कुछ भी है तो हमसे शेयर करो। अब ये अनुराग जी से मैं चाहूँगा, अनुराग जी बताएं। सर, आज गाने रिकॉर्डिंग किए और सर ने आपको चुना, बहुत बड़ी बात है जी, कुछ बताना चाहेंगे? जी, सर के साथ मेरा ऐसा है, अफरोज जी मतलब मेरे बड़े भाई के समान है, और इनके हर प्रोजेक्ट में, चाहे वो एल्बम हो चाहे वो कोई फिल्म की रिकॉर्डिंग हो, तो ये मुझे रखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ जब भी गाने की रिकॉर्डिंग होती है। और ये अभी जो ये गाना मैंने दर्द जिगर के लिए मैंने जो एल्बम के लिए रिकॉर्ड किया है, उस गाने को लिखा है कौशल जी ने, और मतलब उसके जो लिरिक्स जब मैं आकर के स्टूडियो में सुना तो बड़ा मज़ा आया। हालांकि रोमांटिक गाना था, लेकिन सीरियस लफ्ज़ों में कहते हुए एक उसमें एक लाइन आती है कि हमसे शेयर करो। व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, सोशल मीडिया में लोग उलझे हुए, हर कुछ शेयर, फॉलो और लाइक पर, क्या वो कहते हैं ना कि आजकल सोशल मीडिया की भाषा में एक कहावत है कि एक लाइक करना किसी को फ़ोन करने के बराबर है, और उसकी चीज़ों को शेयर कर देना किसी से मिलने के बराबर है। क्या बात है। तो ऐसा है कि अगर कोई भी तकलीफ है, कोई परेशानी है, लड़का लड़की से बोलता है हमसे शेयर करो, तो इसका ट्यून बहुत ही अच्छा बनाया इन्होंने और लिखा बहुत ही खूबसूरती से है कौशल जी ने,
तो ये गाना गाते हुए मुझे बहुत मज़ा आया और एक नयापन है गाने में, एक फ्रेशनेस है। सभी क्या है कि एक्चुअली रोमांटिक गाना हो कोई सैड सॉन्ग हो, कहने के लिए एक्चुअली देखा जाए तो कुछ है नहीं, जो पुराने लोगों ने कह दिया लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है, अंदाजे पे, वो हमेशा नया होता है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई स्टोरी हो, कोई भी गीत हो, चीज़ें वही हैं लेकिन जो कहने का अंदाज होता है वही डिफरेंट होता है, वही नया होता है और वही फ्रेशनेस लोगों को फिर पसंद आती है। तो इस चीज़ में ये फ्रेशनेस है, इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं और ट्यून भी उसके मुताबिक इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। मैंने भी ठीक ठाक गाने की कोशिश की है, बाकी आशा करते हैं कि जब ये गाना आएगा तो आप लोगों को सुन करके अच्छा लगे। तो सब गा के सुना दीजिए। अभी ये गाना मुमकिन है, क्योंकि अभी ये गाना जब आउट होगा पूरे साजो सामान के साथ जब आप लोग सुनेंगे तो उसका मज़ा अलग है। तो अभी मैं इस गाने को रिवील नहीं करना चाहता हूँ, तो वो एक्साइटमेंट आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जी, जी। सर आप बताना चाहेंगे किस तरह की गाने की रिकॉर्डिंग की है और सर ने आपको एक बार फिर से चुना है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी सर मुझे गाने के लिए बोलते हैं तो पहली बात तो सर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ मैं और मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ, इवन मेरा नाम भी लकी है निक नेम तो जब भी सर मुझे गाने के लिए बुलाते हैं तो मैं हमेशा नया फील करता हूँ कि यार नया है, अच्छा लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम गाने जा रहा हूँ, तो हमेशा वो फ्रेशनेस रहती है जब भी सर मुझे बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है गाने के। गाना एक सैड सॉन्ग है, बहुत अच्छा है, मतलब लड़का फेवर कर रहा है गाने में और इस गाने में आपको सब एक सैड सॉन्ग है, मतलब एक गाने में आपको एक लव स्टोरी देखने को मिलेगी। ओके, गाना दर्द जिगर का बढ़ता ही जाए, किस वैद को मैं बताऊं। मैं कैलाश कुमार कौशल, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड गस्टेड ऑफिसर हूं और मतलब था गस्टेड ऑफिसर, अब रिटायर्ड हो गया हूं। और चूँकि ये कंसेप्ट हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान छोड़िए पूरे विश्व में, जहाँ जहाँ भी सेक्स के प्रति लोगों का लगाव है, खूबसूरती के प्रति आकर्षित होते हैं, उनका आकर्षण इस सीरियल को देखने के माध्यम से पता लगेगा कि किस देश में कितने ज़्यादा केस हो रहे हैं। और हमारा अंदर से भाव ये था कि हमारे हिंदुस्तान में जो बलात्कार देश के कोने कोने में छोटी छोटी बच्चियों के साथ में हो रहा है, ये बड़ी दर्दनाक घटनाएं हैं जिन्हें हिंदुस्तान के एक एक नुमाइंदों को पता लगना चाहिए, उनके दिल में ये दर्द जागना चाहिए कि क्यों हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में ये बलात्कार किया जा रहा है, और जब किया जा रहा है तो उसके प्रति उनका क्या दायित्व बनता है और वो दायित्व क्यों नहीं निर्वाह कर रहे। हमारा ये सोचना है कि अगर आज हमारे हिंदुस्तान की बच्चियों के प्रति इस प्रकार का यदि किसी प्रकार का ये माहौल तैयार किया जाएगा तो हिंदुस्तान की बच्चियाँ एक कोने में जाके सिकुड़ के बैठ जाएंगी, उनके अंदर का भाव जो डेवलपमेंट है, उनका मेंटली डेवलपमेंट है, संकुचित हो जाएगा या लुप्त हो जाएगा। तो जो बच्चियाँ अलग अलग क्षेत्रों में जो आगे बढ़ के अपना मुकाम हासिल करके देश का नाम रोशन कर रही हैं, वो हमारा पूरा अवसर समाप्त हो जाएगा। तो हम ये कैसी ये होठों की लाली इस सीरियल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं देश के उन नुमाइंदों को जो देश में राज कर रहे हैं कि हमारे देश की बच्चियों की रक्षा करो। छोटी छोटी बच्चियां जो कल का भविष्य हैं, इस देश का भविष्य हैं, उस भविष्य के प्रति वो सजग हों ताकि बच्चियां आज जो हैं वो कल इस देश की बागडोर संभाल के हिंदुस्तान को और ज़्यादा उन्नतिशील बनाएं। ये तो हमारे अफरोज साहब हैं, म्यूजिक डायरेक्टर साहब, जिन्होंने हमको बहुत प्रोत्साहित किया कि आप करिए, हम आपके साथ में हैं। तो मैंने पिछले महीने में एक एल्बम का मुहूर्त हुआ, लव यू कहते कहते एक मुहूर्त एल्बम का इस महीने में इसी के साथ में हो रहा है, जिसका नाम है दर्द जिगर। गाने चूँकि अब आप जानते हैं मेरी ये एज है, लेकिन इस एज के अंदर की जो कहते हैं ना कि दिल जवान होता है, वो भावनाओं को व्यक्त करते हुए जवान लड़के जो है, नया युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग को एंटरटेन करने के लिए ये एल्बम लाए जा रहे हैं जो अलग अलग मूड के हैं। आपने जो रिसर्च सीरियल के लिए रिसर्च किया होगा, यस सर, क्या कारण आपको लग रहे हैं कि इस तरह की जो रेप बढ़ रहे हैं हमारे देश में, क्या कारण आपको देख रहे हैं? आपने बात किया होगा रेप लोगों से, बात किया होगा, क्या किसी लोगों से आपने बात तो किया होगा, रिसर्च किया होगा ग्राउंड लेवल में ना?
तो आप लोगों ने किससे बात किया कि इससे कुछ अच्छा संदेश जाए, मतलब क्या कारण है? इस संबंध में किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तस्वीरें घटना घटती हुई सामने दिखाई दे रही हैं, वारदात हैं, सब देख रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं देश में घट रही हैं। अब उन घटनाओं के प्रति अब किससे सलाह लिया जाएगा, एकदम प्रत्यक्ष सामने सबको दिख रही हैं। इसलिए हमने अपने दिल से ये भावना बनाई, ये बात निकली और हमने उसको देश के पूरे जन समुदाय के सामने रखने की कोशिश किया है। सर एक बात बोलिए आपने। जी सर। दिल जवान है लेकिन आप भी जवान लग रहे हैं। वो आप लोगों की नज़र है, अच्छा है ऐसी ही नज़र बनी रहे और मैं इस इंडस्ट्री में अपना बहुत सारा योगदान दूँ। अभी बहुत काम करना है मुझे और अगर मेरे को अफरोज भाई साहब का साथ मिला बहुत काम करके दिखाएगा और मज़ेदार काम करेंगे। नहीं, मैं तो कौशल जी के साथ हूँ और मैं तो इनको बोलता हूँ कि भाई आप रिटायर्ड गजेटेड ऑफिसर नहीं लगते हो, आप एक युवा लगते हो और आप लोग मीडिया में भी देख रहे होंगे क्योंकि आप लोग तो सारा दिन ये सब काम करते रहते हैं। बट ये है कि दिल इनका वाकई बच्चा है और सोच अच्छी है, एनर्जी बहुत अच्छी है और एनर्जेटिक इंसान है। और हमारे प्रकाश श्रीवास्तव बहुत अच्छे टैलेंटेड एक्टर हैं और इस पर सीरियल को कर रहे हैं, फीमेल ओरिएंटेड बताएंगे। बाकी क्या कुछ क्या संदेश देना चाहते हैं, अपनी जनता को क्या बताना चाहते हैं, बताइए प्रकाश जी। देखिए जैसा कौशल जी ने कहा है कि नारी की बात कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हमारा है पूरा आज और कल की नारी पे है, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। जिस तरीके से पहले नारी हुआ करती थी, जिस तरह से वो प्रताड़ित होती थी और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती थी, और जिस तरह से आज की नारी है वो अपने आप को स्टैंड लेती है, अपनी चीज़ों पे खड़ी होती है, अपनी बात कहने के लिए आती है, और जिस तरह भी की चीज़ें अब हम समाज में देख रहे हैं वो ना समाज में सिर्फ नारी और किसी अलग समुदाय की बात होती है, हम एक ऐसे पर्टिकुलर वर्ड पे आ गए हैं जहाँ पे सिर्फ सम्मान की बात है, एक नारी का सम्मान है जो चला जा चुका है। आज हम देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, तो कौशल जी ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिखा है। छोटी वर्ड में बोलूँगा कि जिस तरह से समाज हमारा आज गलत तरीके से जा रहा है, उसको उन्होंने एक अपने कॉन्सेप्ट से लोगों को बताने की कोशिश की है कि वो हम उसको सही कर सकते हैं। नारी जिस तरह से स्टैंड ले रही है उस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है और लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि नारी का सम्मान होना चाहिए। और जिस तरह से ये टाइटल है कैसी है होठों की लाली, इसकी मीनिंग वही होती है कि कैसी है होठों की लाली है, जो पहले थी और जो आज है उसमें क्या सम्मानताएँ हैं, नहीं बहुत कुछ बदल चुका है। सो हम उस पर चर्चा करेंगे आगे, कॉन्सेप्ट पे और रिसर्च कर रहे हैं, जितनी अच्छी होगी रिसर्च उतना आगे चल के सामने आएगा और आपके सामने भी हम लेकर आएंगे उसको, प्रस्तुत करेंगे।